Welcome all my students of the VTC 1064. আজকে আমি তোমাদের যে টপিকসটার উপরে পড়াবো সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, মাল্টিপল শপ, চেইন স্টোর, এই তিনটির তুলনামূলক আলোচনা। কম্পারেটিভ স্টাডি অফ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস, মাল্টিপল শপ অ্যান্ড চেইন স্টোর, বোথ ক্লাস 11 and 12, উভয়ের জন্য এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তোমরা সবাই কিন্তু এটা ভালো করে ফলো করবে। প্রথমেই আমি যে টপিকসটার বেসিসে আমি ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ফিচার অফ পারচেস অ্যান্ড সেল। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কা বারে মে ক্যা বলেগা না, ডিসেন্ট্রালাইজ পারচেজ অ্যান্ড সেন্ট্রালাইজ সেল। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কে क्या होता है ना, वहाँ पर परचेस बहुत स्थान से होता है, इसलिए डिसेंट्रलाइज परचेस बोला जाता है। लेकिन सेल एक ही प्लेस से होता है, इसलिए सेंट्रलाइज सेल बोला गया। मल्टीपल शॉप में क्या होता है ना, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन। मल्टीपल शॉप में उसको एक फैक्ट्री में उसको प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका बहुत से स्थान में उसको आउटलेट रहता है, वहाँ पर सेल का काम चलता है। इसलिए क्या बोला गया ना, डिसेंट्रलाइज सेलिंग। তাহলে কি হচ্ছে, মাল্টিপল শপ কে শপের ক্ষেত্রে না সেন্ট্রালাইজ প্রোডাকশন, ডিসেন্ট্রালাইজ সেলিং। আর চেইন স্টোরের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সেন্ট্রালাইজ পারচেস অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজ সেলিং। চেইন স্টোরের মূল মালিকানায় উহা পর মালিক কা অধীন মে এক স্থান মে সব সামান বহু সা সামান খরিদনা জাতা হয়, अर्थात सेंट्रलाइज परचेस होता है, लेकिन बहुत स्थान में इसको जो आउटलेट रहता है वहाँ पर सेल का काम चलता है, इसलिए बोला गया डिसेंट्रलाइज सेलिंग। टाइप्स ऑफ गुड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंट टाइप्स का गुड्स का सेल परचेस होता सेल होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक बहुत किस्म का सामान खरीदता है और बहुत किस्म का सामान ही बेचता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में एक डिपार्टमेंट के अंदर एक छत के नीचे में बहुत सारे डिपार्ट रहता है, एक एक डिपार्ट में एक एक तरह का सामान, एक एक क्वालिटी, एक एक कंज्यूमर आइटम वहाँ पर मिलता है। मल्टीपल शॉप में क्या होता है ना, सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स सोल्ड हियर। और चेन स्टोर में क्या होता है ना, वेराइटीज ऑफ गुड्स ऑफ यूनिफॉर्म टाइप्स आर सोल्ड हेयर। ओके, उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, टाइप ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल स्टोर ऑल सेल्स मेड बाई कैश, अर्थात यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन होता है, हर ट्रांजेक्शन और लेन देन नगद लेन देन में होता है। मल्टीपल शॉप में क्या होता है ना, हेयर ऑल द सेल्स आर affected in cash, यहाँ पर भी cash transaction चलता है। और chain store में क्या होता है ना, generally goods are sold in cash but in some case on credit, ज़्यादा ही transaction cash में होता है, नगद लेन देन वहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में वहाँ पर उधार में भी लेन देन credit transaction भी देखा जाता है। The structure of business, डिपार्टमेंटल स्टोर एस्टैब्लिश इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका बहुत सा कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए क्या होता है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बांग्ला बोले जौथ मालिकाना, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर इसका प्रतिष्ठा होता है। मल्टीपल शॉप के एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, इट में भी एस्टैब्लिश एज आइदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। मल्टीपल शॉप में सोल प्रोप्राइटरशिप एक मालिकी कारोबार, पार्टनरशिप अंशीदारी कारोबार और जॉइंट स्टॉक कंपनी जौथ मूलधनी कारोबार देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है ना, चेन स्टोर। इन मोस्ट केस इट इज एस्टैब्लिश एज सोल प्रोप्राइटरशिप। चेन स्टोर जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप
में ही होता है। एक मालिकी कारोबार इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम तुम लोग को बोलेगा मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर। पहले कौन है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर, इट इज मैनेज्ड बाय मिडिलमैन। डिपार्टमेंटल स्टोर मिडिलमैन के माध्यम में मैनेज होता है। मल्टीपल शॉप में क्या होता है, इट इज मैनेज्ड बाय द प्रोड्यूसर। क्यों, मल्टीपल शॉप में प्रोडक्शन प्लेस रहता है, प्रोड्यूसर वहाँ पर प्रोडक्शन करता है, उसके बाद वो बहुत सा आउटलेट खुलता है, वहाँ पर वो सामान सेल होता है, बटा जैसा, बटा का जूता जैसा, मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्ट यहाँ का सेल के साथ संयुक्त है। उसके बाद क्या है ना, चेन स्टोर, इट इज मैनेज्ड बाय द ऑल्सो मिडिल मैन। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप, ये तीनों के अंदर मल्टीपल शॉप ओनली प्रोडक्शन करके उसको सेलिंग का काम करता है, लेकिन चेन स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में हम जब देखा वहाँ पर क्या होता है, बहुत से सब किस्म का सामान बाहर से परचेस करता है, मतलब परचेस करने के बाद वो सेल के काम करता है, अर्थात प्रोड्यूसर किंतु बाहर थे प्रोड्यूसर का द्रव्य किने आनचन, सेई जन्य कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच में उत्पादनकारी एवं उपभोक्ताकारी माझखाने तिनी अवस्थान करछेन। डिपार्टमेंटल स्टोरेर मालिक एवं चेन स्टोरेर मालिक किंतु ऐ उत्पादक एवं उपभोक्ताकारी माझे प्रोड्यूसर और सेल दोनों के बीच में अवस्थान करते हैं, इसलिए उसकी भूमिका मिडिलमैन की तरह है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कस्टमर। मोस्ट द रिच एंड वेल्दी परसेंट ऑफ हाई स्टेटस कम इन द डिपार्टमेंटल शॉप। डिपार्टमेंटल शॉप एक जो मोहल्ला में होता है वहाँ पर बहुत बड़ा इलाका लेके होता है, एक ही दुकान एक ही छत के नीचे बहुत किस्म का सामान का डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे, कहाँ पर ग्रॉसरी का है, कहाँ पर चप्पल जूता मतलब शू का डिपार्टमेंट है, कहाँ पर गारमेंट का डिपार्टमेंट है, कहाँ पर ऑर्नामेंट का डिपार्टमेंट है, कहाँ पर फर्नीचर का डिपार्टमेंट है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का डिपार्टमेंट है, इस खाने का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर फूड कोर्ट भी है, फूड प्लाजा भी है, क्या ना इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल भी उसके अंदर है, मल्टीप्लेक्स है, अर्थात इसका डिपार्टमेंटल स्टोर के जो एरिया बहुत सा बड़ा होता है, लार्ज एरिया में होता है, इसलिए पहले हम बोला डिपार्टमेंटल स्टोर का जो ओनरशिप वो जॉइंट प्रोप्राइटरशिप के बेसिस में उसको होता है, जॉइंट प्रोप्राइटरशिप के बेसिस में ये होता है। लेकिन जॉइंट प्रोप्राइटरशिप के होने के नाते इसका एक्टिविटीज बहुत सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सा फॉर्मेलिटीज वहाँ पर मेंटेन करने पड़ता है, और वहाँ पर जो जो वैरायटीज का सामान जो जो ये है जनरल आन पर गवार कोई पब्लिक वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा सा घबराहट हो जाएगा, इसलिए देखा जाता है ना डिपार्टमेंटल स्टोरे हमरा देखते पाए डिपार्टमेंटल स्टोरे साधारण मानुष किंतु खूब एक जाए ना, आर्थिक क्षमता युक्त व्यक्तिराई सेखाने किंतु डिपार्टमेंटल स्टोरे जाए, सेजन्य हमरा बोलछि मोस्टली द रिच एंड वेल्दी पर्सन ऑफ हाई स्टेटस कम इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट हमरा कार कथा बोलछि ना मल्टीपल शॉपे हमरा कि देखी ऑल कैटेगरीज ऑफ कस्टमर कम टू द शॉप फॉर परचेस ऑफ गुड्स। মাল্টিপল শপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা কিন্তু দেখতে পাই না, এখানে সব ধরনেরই মানুষ আসে, যেমন বাটার দোকান তোমরা দেখো তোমাদের শ্যামনগরে আছে, নৈহাটিতে আছে, চন্দননগরে আছে, অনেক জায়গায় আছে, সেখানে কিন্তু ভ্যারাইটিস রেঞ্জের জিনিস আছে, সেখানে মোটামুটি সব ধরনেরই মানুষ সেখানে যাও অ্যাক্সেস করার সুযোগ পাচ্ছে, অল টাইপ অল আর্নিং ক্যাপাসিটি কা পিপল ওয়াঁ পর যাতা হ্যায়। উসকে বাদ হ্যায় চেইন স্টোর, অল ক্যাটাগরি সব কাস্টমার कम हियर फॉर परचेज ऑफ गुड्स। चेन स्टोर में भी ऑल टाइप का कस्टमर वहाँ पर आता है।
ये हम लोग ने हम लोग के पास मल्टीपल शॉप और चेन स्टोर ये दोनों एक्सेस करना सुविधाजनक होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर जनरल पीपल के लिए उतना सुविधाजनक नहीं है। जैसे फिनेंशियल कैपेसिटी है उसके पास अच्छा है, लेकिन आम आदमी के क्षेत्र में ये पॉसिबल इसको बियर करना संभव, उसको जो कॉस्ट जो ये वो बियर करना संभव नहीं होता है जनरल पब्लिक के लिए। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सब तुम लोग ये चैप्टर को अच्छा करके तुम लोग को देखेगा।